ये बातें तो सारी हो गई हमारी शुरू से ही। हाँ ये सब हो गया। ये लाइट के ऊपर है, लाइट के ऊपर लेजर लाइट है जो छोटी सी एक 40-50 रुपए की आती है, वहाँ पे ग्लास है, तो इसके और इससे हमने परावर्तन और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के ऊपर बात हुई बच्चों से। आज बच्चों ने खुद ही एंगल मेजर किए और देखा कि ये जो लॉज है उसका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के वो लॉज फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इधर हमारा एक लाइट ईयर चला था, एक प्रेजेंटेशन हम बच्चों के साथ लाइट ईयर के ऊपर भी शेयर करते हैं कि लाइट ईयर क्या था, क्यों बनाया गया, इस सारे के ऊपर चलता है। इसके ऊपर ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स चले थे जिसमें केमिस्ट्री के खुद ही यूनिफॉर्म का हम बच्चे देख रहे हैं। बच्चों ने पहली बार देखा कि यूनिफॉर्म क्या होता है, कैसे काम करता है। और इधर ये रावत साहब का बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट है, वो जादू का कुछ पानी डालते हैं वो आग पकड़ जाता है, तो ये केमिस्ट्री का था फेमस जी। ये कुछ बायोलॉजी का था, इधर आप देख रहे हैं हार्ट बनाया हुआ, वर्किंग ऑफ हार्ट, दिल कैसे काम करता है, कितने उसके चैम्बर्स होते हैं, ब्लड कैसे फ्लो करता है, कैसे पंप करता है ग्राउंड लेवल में, ये रोल प्ले टाइप का है। और इधर आप देख रहे हैं कि वेब चेन, बायोलॉजी का वेब चेन किस तरीके से नेचर में काम करती है। इधर कुछ जादू है और जादू के पीछे क्या साइंस है, जो ये चोटी काटने वाली सारी बातें हो रही, इसी को अंधविश्वास को तोड़ने वाली सारी बातें हैं कि किस तरीके से जादू और जादू के पीछे क्या विज्ञान छुपा हुआ है, इसके ऊपर भी डिस्कशन चला हमारा सेशन। और फाइनली ये टेलीस्कोप, जनरल बड़ोला साहब का ये सेशन है और इसमें रात के टाइम नाइट गेजिंग भी है, और लेकिन ये दिन में कह रहा कि ये काम कैसे करती है टेलीस्कोप, और ऊपर पहाड़ के ऊपर उन्होंने चोटी वगैरह बच्चों को दिखाई, तो उसने काफ़ी इंजॉय किया। नेचर वॉक में ये जो आप पीछे देख रहे हो रेनबो भी दिखाई दे रहा है, बर्ड वॉचिंग एक। और ये फिर ये मैथमेटिक्स के ऊपर अग्रिम का सेशन है, ये भी रोल प्ले है। ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो अपने एक छोटा सा मॉडल बनाया, दिन रात कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं। ये फिजिक्स के हैं, ये ग्राउंड लेवल एक्टिविटीज हैं, हमारे पर्सनालिटी है।